वित्तीय वर्ष 2023-24 राज्य के लिहाज से आयकर विभाग के लिए शुभ रहा। आयकर विभाग को सरकारी खजाने के लिए 31 मार्च तक 31,630 करोड़ रुपए का कर संग्रहण करने की सफलता मिली, जो लक्ष्य 30,900 करोड़ रुपए की तुलना में 102.36% ज्यादा है। उधर अधिक राजस्व जुटने से राज्य में कार्यरत आयकर कर्मचारियों और अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। अब आयकर राजस्व आंकड़ों में समायोजन के बाद की स्थिति क्या होती है, इसका इंतजार है। ये रिपोर्ट देखिए। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक 31 मार्च तक राजस्थान में आयकर विभाग का कुल संग्रहण पिछले साल के 30,700 करोड़ से बढ़कर 31,630 करोड़ के स्तर पर पहुंच चुका है। तुलनात्मक रूप से राज्य में आयकर राजस्व संग्रहण की ग्रोथ बहुत अधिक नहीं रही, लेकिन राज्य के प्रमुख करदाताओं की आय में हुई कम वृद्धि के बावजूद लक्ष्य प्राप्त किए जाने को भी आयकर अधिकारी बड़ी कामयाबी मानकर चल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस वित्तीय वर्ष में करदाताओं की आय में और वृद्धि होगी, इसका असर राजस्व पर भी सकारात्मक पड़ेगा। राजस्थान में आयकर राजस्व वसूली की स्थिति पर गौर करें तो मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय जयपुर 4,950 करोड़ रुपए, मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय उदयपुर 4,820 करोड़ रुपए, आयकर आयुक्त TDS राजस्थान 20,820 करोड़ रुपए, महानिदेशक आयकर अन्वेषण 1,040 करोड़ रुपए। कुल आयकर राजस्व संग्रहण 31,630 करोड़ रुपए रहा है। जानकारों का कहना है कि आगामी 10 अप्रैल तक समायोजन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और राज्य के आयकर संग्रहण की तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी। माना जा रहा है कि समायोजन के बाद राज्य में आयकर संग्रहण के आंकड़ों में भी वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। वहीं राजस्व में कमजोर वृद्धि दर के लिए आयकर विशेषज्ञ कम आय वर्ग के करदाताओं की ज्यादा संख्या को मानते हैं। राजस्थान में आयकर विभाग की तरफ से करदाताओं की जागरूकता के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों का ही परिणाम है कि राज्य में करदाताओं की रिटर्न में लगातार वृद्धि का रुख है, तो आयकर चोरी पर नियंत्रण के लिए भी अन्वेषण शाखा खासी सक्रिय है। इनकम टैक्स कलेक्शन के आंकड़ों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में आयकर विभाग ने राजस्व के निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कुछ अधिक लक्ष्य हासिल किया है। हालांकि 10 अप्रैल तक इनकम टैक्स के आंकड़ों में समायोजन होना बाकी है और ये माना जा सकता है कि फिलहाल जो आंकड़े इनकम टैक्स कलेक्शंस के सामने आए हैं इसमें और वृद्धि होगी और जो ग्रोथ रेट है वह ग्रोथ रेट भी और आगे बढ़ेगी। देखने वाली बात यही है कि समायोजन के बाद तस्वीर कितनी साफ होती है और आयकर विभाग को आखिर राज्य में कितना राजस्व मिला है इसका खुलासा होता है। विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। SI भर्ती 2021 पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार किए गए 11 ट्रेनी SI और एक कांस्टेबल को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने SOG की रिमांड के दौरान हर 24 घंटे में आरोपियों का मेडिकल कराए जाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि SOG ने रुपए के लेन देन सहित अन्य पूछताछ के लिए आरोपियों का 12 दिन रिमांड मांगा, जिसका विरोध करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा कि SOG को हर आरोपी की रिमांड मांगते समय उसका कारण बताना चाहिए। वहीं आरोपियों ने भी SOG पर प्रताड़ना के आरोप लगाए, साथ ही कहा कि उन्हें 2 अप्रैल को पूछताछ के बहाने बुलाया गया था और फिर अवैध हिरासत में रखते हुए 4 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट में आपराधिक अपील पर सुनवाई हुई और मामले में सह अभियुक्त लक्ष्य वालिया की उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया गया। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने लक्ष्य वालिया की आपराधिक अपील पर यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन के गवाहों ने अभियुक्त की पहचान नहीं की और उससे फिरौती की रकम और हत्या की वारदात में काम में लिया गया चाकू बरामद नहीं हुआ। अभियुक्त 3 साल से ज्यादा समय जेल में रह चुका है, ऐसे में आपराधिक अपील के पेंडिंग रहते हुए उसकी उम्र कैद की सजा को निलंबित किया जाना सही होगा। आपको बता दें कि निचली अदालत ने 24 नवंबर को अभियुक्त प्रिया सेठ, उसके प्रेमी दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जोधपुर शहर के केंद्रीय कारागार में जेल प्रशासन की तरफ से तलाशी अभियान चलाया गया। जेल के विभिन्न वार्डों और बैरकों की तलाशी में एंड्रॉइड के साथ कीपैड फोन बरामद हुआ। बिस्तर, बाथरूम और बाथरूम की छत से ये फोन बरामद किया गया। एक विचाराधीन बंदी को नामजद किया गया है, जबकि अन्य बंदियों का पता लगाया जा रहा है। जोधपुर केंद्रीय कारागार में जेल उपकारापाल कविता विश्नोई तुलसीराम ने स्टाफ के साथ अल सुबह जेल में अचानक से तलाशी ली। जेल की वार्ड संख्या 4 और 11 की बैरक संख्या 1 और 2 में तलाशी की गई।
वहीं एक बंदी अरुण हुड्डा के बिस्तर से टूटा कीपैड मिला। साथ ही बाथरूम में छुपाया फोन मिला और बाथरूम की छत से ही कीपैड फोन बरामद हुआ। जेल उपाधीक्षक सौरव स्वामी की तरफ से बंदी अरुण हुड्डा को नामजद करने के साथ अन्य अज्ञात बंदियों के खिलाफ रातानाड़ा थाने में केस दर्ज करवाया गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में व्याख्यान का आयोजन किया गया। मानव संसाधन विकास केंद्र की तरफ से भारतीय ज्ञान का वैज्ञानिक महत्व विषय पर कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति के सानिध्य में अद्वितीय व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता लालनाथ हिंदू कॉलेज रोहतक के सेवानिवृत्त प्रोफेसर सीताराम रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति ने छात्र छात्राओं और संकाय सदस्यों को इस दौरान संबोधित किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के तौर पर प्रोफेसर सीताराम व्यास ने व्याख्यान दिया। कुलसचिव प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ला ने धन्यवाद ज्ञापित किया। सीएचआरडी के निदेशक डॉक्टर राकेश शर्मा ने बताया कि छात्र छात्राओं की ज्ञान वर्धन के लिए व्याख्यानों का आयोजन किया जा रहा है और इस अवसर पर सेवानिवृत्त सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस चैन सिंह राजपुरोहित, प्रोफेसर अंजना द्विवेदी, आचार्य प्रोफेसर महेंद्र शर्मा सहित स्नातकोत्तर में अध्ययनरत उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर हेमंत राजपुरोहित ने किया। जयपुर स्थित पूर्णिमा यूनिवर्सिटी का राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों ने दौरा किया, जहां विद्यार्थियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी विद्यार्थियों से रूबरू भी हुए। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों ने विद्यार्थियों से कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। इस अवसर पर पूर्णिमा विश्वविद्यालय एडमिशन डायरेक्टर मीनाक्षी मालव ने बताया कि राजस्थान रॉयल्स मीट एंड ग्रीट में टीम के प्लेयर ट्रेंट बोल्ट, ध्रुव जुरेल और संदीप शर्मा अतिथि थे। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी की तरफ से पल्स ऑफ रन स्कॉलरशिप की घोषणा की गई और राजस्थान रॉयल्स फाउंडेशन से जुड़ी 11 छात्राओं को विश्वविद्यालय की तरफ से 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। समारोह में 5,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। वहीं विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट डायरेक्टर सुरेश चंद्र पाढ़ी और एडमिशन डायरेक्टर मीनाक्षी मालव ने राजस्थान रॉयल्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर आलोक चित्र के साथ एक एमओयू एक्सचेंज किया। वहीं राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों द्वारा विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद खिलाड़ियों ने पूर्णिमा विश्वविद्यालय के एडमिशन सेल का विजिट भी किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के फाउंडर राहुल सिंघी और स्टूडेंट काउंसिल के अध्यक्ष अव्वल यादव मौजूद रहे। पूर्णिमा यूनिवर्सिटी दिस आईपीएल सीजन इज द ऑफिशियल यूनिवर्सिटी पार्टनर ऑफ राजस्थान रॉयल्स। आज पूर्णिमा यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हमने मीट एंड ग्रीट इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसके अंदर राजस्थान रॉयल्स के टॉप प्लेयर्स आए थे, जैसे कि ध्रुव जुरेल, ट्रेंट बोल्ट एंड संदीप शर्मा। साथ ही साथ यहाँ पे कम से कम 5,000 से 6,000 स्टूडेंट्स की का क्राउड था। स्टूडेंट्स ने काफ़ी इंजॉय किया इवेंट। इवेंट के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन एंड आंसर राउंड्स थे, जो कि प्लेयर्स ने भी बहुत इंजॉय किए, साथ ही साथ स्टूडेंट्स ने। आज हमने राजस्थान रॉयल्स और पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के एसोसिएशन को के मद्देनज़र एक स्कॉलरशिप अवार्ड अनाउंस किया है, जिसका नाम है पर्ल्स ऑफ RRF, जिसके अंदर 11 छात्राओं जो कि राजस्थान रॉयल फाउंडेशन की बेनिफिशरीज हैं, उनको 100% एकेडमिक स्कॉलरशिप अवार्ड की जाएगी। आज पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में राजस्थान रॉयल के प्लेयर्स ने विजिट की है, जिसमें ये एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा और इन्होंने हमारे एडमिशन जो बना है, नया एडमिशन सेल बना है, उसका उद्घाटन भी किया है। साथ में हमारे अटेंडेंस जो 100% स्टूडेंट अटेंडेंस मेंटेन करते हैं, उनको भी अवार्ड दिया है। प्लेसमेंट और जो हमारी स्कॉलरशिप बेस पे जो एडमिशन हुआ है, जिन्होंने 100% 80%, 60%, 90% जो स्कॉलरशिप लिया है, अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप, उनको भी उन्होंने रिवार्ड दिया है। करीब करीब 2,500 बच्चे कैंपस में आज मौजूद थे। पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के राजस्थान रॉयल के साथ एक टाई अप किया है। जनरली हम लोग पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के अलावा वी ट्राई टू डेवलप और होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज आवर मेन फोकस। सो इसलिए वी कीप ऑन डूइंग द लीडरशिप सीरीज। वी इनवाइट मेनी प्रोफेशनल्स फ्रॉम वेरियस वर्क्स ऑफ लाइफ सो दैट द स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड एवरी फील्ड
एंड दे कैन अंडरस्टैंड एवरी अपॉर्चुनिटी विच इज अवेलेबल आउटसाइड द इकोनॉमिक फील्ड ऑल्सो। सो जैसे हमारा टाई अप राजस्थान रॉयल के साथ है, राजस्थान रॉयल के 3 प्लेयर्स आए थे आज, मिस्टर ट्रेंट बोल्ट, मिस्टर संदीप शर्मा, मिस्टर ध्रुव जोरल। सो ये लोग प्लेयर हैं, अपने अपने फील्ड में एक कामयाबी हासिल किया है। जयपुर के कांवड़िया अस्पताल में गर्भवती महिला का खुले में प्रसव होने के प्रकरण में प्रथम दृष्टता दोषी पाए गए 3 रेजिडेंट चिकित्सकों डॉक्टर कुसुम सैनी, डॉक्टर नेहा राजावत और डॉक्टर मनोज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। साथ ही राज्य सरकार ने प्रकरण में लापरवाही के लिए जिम्मेदार अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र सिंह तवर को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा शुभ्रा सिंह ने बताया कि प्रकरण सामने आने पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी गठित की थी। समिति की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार इन 3 रेजिडेंट चिकित्सकों को निलंबित किया गया। सिंह ने कहा कि जयपुर के कांवटिया अस्पताल में एक महिला का अस्पताल के गेट पर प्रसव होने का मामला दुर्भाग्यपूर्ण है। मानवीयता से जुड़े चिकित्सीय पेशे में ऐसे असंवेदनशील व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी के चलते चिकित्सकों ने गर्भवती महिला को जनाना अस्पताल रेफर करने की सलाह दी थी, लेकिन स्पष्ट रूप से रेफर नहीं किए जाने के कारण भ्रामक की स्थिति पैदा हुई और महिला अस्पताल से बाहर आ गई और उसका खुले में प्रसव हो गया। प्रदेश की राजधानी में एक बड़े अस्पताल में, कांवटिया कोई इतना छोटा अस्पताल नहीं है, वहां पे अगर कोई केस आता है और वहाँ नाइट ड्यूटी पे जो रेसिडेंट्स हैं अगर उनको लगता है कि ये केस मैनेज नहीं होता तो अपेक्षा यही है कि वो एक सीनियर डॉक्टर को ऑन कॉल बुला लेंगे या कम से कम रेफरल होगा तो वो एक एसओपी के हिसाब से होगा। तो वो हमने देखा कि इस केस में नहीं हुआ, तो एसओपीज तो बनी हुई हैं और क्योंकि उनकी पालना नहीं हुई इसीलिए हमें एक्शन लेना पड़ा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आपका स्वागत है। भीलवाड़ा में पुलिस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 93.990 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। मंडलगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 ऑल्टो कार और 2 इको कार जब्त की और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने अवैध मादक पदार्थों के परिवहन पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश सभी थाना अधिकारियों को दे रखे थे। थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की। पुलिस ने 2 इको गाड़ियों को रोका और तलाशी ली, जिसमें 2-2 प्लास्टिक के काले कट्टे रखे हुए थे जिनमें डोडा चूरा भरा हुआ था। डूंगरपुर के डेचा गांव में लेपड़ के 3 शावकों को वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया। नर और मादा लेपड़ के आसपास के जंगल में होने से लोगों में डर का माहौल है। वहीं वन विभाग शावकों के पिंजरे को खेतों में ही रखकर नर और मादा लेपड़ के आने का इंतजार कर रहा है ताकि उनका भी रेस्क्यू किया जा सके। बता दें कि ओबरी के डेचा वन क्षेत्र में लेपड़ के 3 शावकों को खेतों में देखा गया। घर से दूर खेतों में खेल रही बच्ची ने शावकों को देखकर घर के लोगों को बताया। वहीं वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। इसके बाद वन विभाग की टीम ने 3 शावकों का रेस्क्यू कर पिंजरे में कैद कर दिया। 3 शावक करीब 20 से 25 दिन के बताए जा रहे हैं। वहीं वन विभाग की टीम नर और मादा लेपड़ को लेकर पिंजरे पर नजर बनाए हुए है। मौके पर रेंजर यशपाल सिंह, वनपाल नाथू राम रौत, वनकर्मी चंद्रवीर सिंह चौहान, हरिओम सिंह, हर्षवर्धन सहित अन्य वन कार्मिक तैनात हैं। धौलपुर की बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष से कार्यालय में मारपीट करने का मामला सामने आया। घायल अध्यक्ष मधु शर्मा ने बाल कल्याण समिति की महिला सदस्य सहित 3 सदस्यों पर हमला करने का आरोप लगाया है।
मधु शर्मा ने बताया कि समाज न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में बैठक चल रही थी, तभी बाल कल्याण समिति के सदस्य कविता शर्मा, माजिद शरीफी और सोनपाल कार्यालय पहुंचकर दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने लगे, जिसका विरोध करने पर तीनों ने उनके साथ मारपीट कर दी। कविता शर्मा ने कांच के गिलास से उन पर हमला भी किया। हमले में घायल अध्यक्ष मधु शर्मा को जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरे पे कई दिनों से प्रेशर भी बना रहे थे कि मैं अपने इन बयानों को, बच्चों के बयानों को ना कोई मांग रहा है, इनका रिश्तेदार मांग रहा था, उनको दे दूँ। जब मैंने मना कर दिया तो ये छिड़ाखानी करने लगे, और जब छिड़ाखानी करके वो अपने बैग में रख के ले जाने लगी कागजों को, ऑफिशियल कागजों को ले जाने लगी। तो जब रोका तो इनने मेरे साथ गाली गलौच की। पहले तो इसने जब गाली गलौच नहीं हुआ तो इनने धक्का मुक्की करके मेरे का सिर पे पांच गिलास मारा है। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ के राजियासर थाना क्षेत्र के सामलसर गांव के अंदर तीन युवकों से लगातार देश शोषण से परेशान होकर एक 19 वर्षीय युवती ने खुदकुशी कर ली। इस मामले में परिजनों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर शव फंदे से उतारने से इनकार कर दिया। देर शाम पुलिस के अधिकारियों ने किसी तरह से समझाइश कर शव को सूरतगढ़ के राजकीय चिकित्सालय के मोर्चे में रखवा दिया, लेकिन पोस्टमार्टम को लेकर सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर दिया। परिजन इस मामले में जांच अधिकारी डीएसपी प्रतीक मील को तुरंत प्रभाव से हटाने, डीएसपी को मामले में अभियुक्त बनाने और मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक प्रशासन तीनों मांगों पर सहमत नहीं होता तब तक वो शव का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। गौरतलब है कि इस मामले में पीड़ित युवती ने कुछ दिन पहले पुलिस अधीक्षक से मिलकर कार्रवाई नहीं करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। तो वही एक्सपायर बड़ी महीने बाद दूसरे महीना बाद एक्सपायर भी होती, और मेरे ससुराल वाला मेरे पर दबाव बना के मेरे पर मुकदमा दर्ज करवा दियो, और वहाँ तीन लड़का वजह में बाबली महीने बाद मेरी बहन है देखी होली वाले दिन खेत में आने लग रही रास्ता का मापन छोरे भी नहीं सारू शुरू करो बात करने वास्ते सुसाइड नोट लिखे मरण वास्ते भाग गई। हमारी प्रशासन से स्पष्ट मांग है कि एक तो डिप्टी साहब के ऊपर 306 में FIR दर्ज हो और डिप्टी साहब तुरंत सस्पेंड हो, उसके बाद परिवार को सरकार कंपलसेशन दे, उसके बारे में हम बात करें। अगर ये मांग हमारी नहीं मांगी जाती है तो हम सुबह बिना कोई सूचना दिए हमारी डेड बॉडी को उठा के हम डिप्टी ऑफिस के आगे ले जाके धरना लगा के बैठेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। मृतका ने सुसाइड किया है, उसने रिपोर्ट दी थी गैंगरेप की, जिसके संबंध में दो मुलजिमों को अरेस्ट कर लिया गया है और तफ्तीश अभी स्थानांतरित होकर मेरे पास आई। इसमें कल 2 तारीख को मैंने मौका देखा है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, और आज ये पता चला कि रेप पीड़िता उसने सुसाइड कर लिया है, तो इस संबंध में अग्रिम जैसे ही रिपोर्ट देंगे कार्रवाई की जाएगी। जयपुर की मानसरोवर थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम ने 20,000 रुपये के इनामी बदमाश दिलकुश मीणा उर्फ लक्की मोरपा उर्फ डिल्लू को गिरफ्तार किया। DCP साउथ दिगंत आनंद ने बताया कि पुलिस को कांस्टेबल महेश कुमार से सूचना प्राप्त हुई कि 20,000 रुपये का इनामी बदमाश दिलकुश मीणा उर्फ लक्की मोरपा प्राइवेट वाहन से दिल्ली की तरफ जा रहा था। सूचना पर मानसरोवर थाना अधिकारी राजेंद्र गोरदारा के नेतृत्व में इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने मनोहरपुरा टोल टैक्स पर इनामी बदमाश दिलकुश मीणा उर्फ लक्की मोरपा को धर दबोचा। बदमाश दिलकुश मीणा गंगापुर सिटी का रहने वाला है। अपराधी दिलकुश मीणा उर्फ लक्की मोरपा को प्रकरण के अनुसंधान के लिए पुलिस थाना सपोटरा को सुपुर्द किया जाएगा। बारां शहर से कृषि उपज मंडी में एक ट्रक से ट्रैक्टर को टक्कर लग जाने के बाद विवाद हो गया। झगड़ा होने पर एक मंडी व्यापारी ने ट्रक चालक के साथ मारपीट कर दी। ट्रक ड्राइवर से मारपीट की घटना के बाद मंडी में मौजूद ट्रक यूनियन की सभी ट्रक ड्राइवर ट्रकों को छोड़कर हड़ताल पर चले गए। उन्होंने माल के उठाव से मना कर दिया। सूचना मिलने पर मंडी सचिव मनोज मीणा समेत शहर कोतवाली CI रामविलास मीणा, व्यापार मंडल अध्यक्ष देवकीनंदन बंसल, विमल बंसल मौजूद रहे। दोनों पक्षों से समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। दोपहर बाद मंडी में ट्रक ड्राइवर्स की वापस लौटने के बाद माल उठाव शुरू हुआ। ट्रक यूनियन के पदाधिकारी और व्यापार संघ के पदाधिकारी ट्रक यूनियन में बैठकर वहाँ पर आपसी समझाइश करके समझौता हो गया। उसके बाद आप ट्रक यूनियन पर लदान
के लीटर ड्राइवर से बोल दिया। कोई माल बेचने वाला आया था, कोई गांव का आदमी, उसके ट्रॉली के किसी की अड़गी थी गाड़ी, उसने उस ड्राइवर के साथ में मारपीट करी और वो बिचा बूढ़ा आदमी था, उसको मारा, बहुत भयंकर पीटा। इस वजह से आज ड्राइवर लोगों ने सुना तो उन्होंने सब ने मिलकर हड़ताल कर दी, इस वजह से बारह के अंदर माल नहीं उठ रहा। बालोतरा के तिलवाड़ा में राज्य स्तरीय श्री मल्लीनाथ पशु मेले का शुभारंभ 5 अप्रैल को जिला कलेक्टर सुशील कुमार करेंगे। 650 वर्ष पुरानी पशु मेले की शुरुआत 1431 ईस्वी में संत रावल मल्लीनाथ ने संत समागम से की थी। कालांतर में संतों के समागम के साथ संत महात्मा अपने पशुओं का आदान प्रदान करते थे। धीरे धीरे इसका स्वरूप बदल गया और अब ये पशु मेले के रूप में प्रसिद्ध है। अब मेले का आयोजन पशुपालन विभाग कर रहा है। मेले में देश के कई राज्यों से पशुपालक अपने घोड़े ऊंट लेकर पहुंचते हैं। इसके अलावा पशु श्रृंगार, कृषि के औजार, किसानी और घरेलू सामान की कई स्टॉल्स भी लगाई गई। मेले में आए पशुपालकों से बातचीत की हमारे सहयोगी बंशी चौधरी ने। श्री मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान के तिलवाड़ा का ऐसा मेला है जो पिछले 700 वर्षों से लगातार भरा जा रहा है और संत समागम से शुरू हुआ मेला आज घोड़े और ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। प्रदेश ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों से पंजाब, हरियाणा, गुजरात सहित कई राज्यों से पशुपालक यहाँ पर आते हैं और अपने घोड़ों का आदान प्रदान करते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कई पशुओं की प्रतियोगिता भी होती है। यहाँ पर हनुमानगढ़ से कुछ पशुपालक अपने घोड़ों को लेकर आए हैं, उनसे जानेंगे आखिर इस मेले में कब से आ रहे हैं, क्या खासियत है, क्या लेकर आते हो यहाँ मेले में? अपने घोड़े घोड़ियां लेके आते हैं और कंपटीशन में डालते हैं जी, ब्यूटी कंपटीशन फाइट करते हैं। क्या खासियत है आपके घोड़े घोड़ियों में? घोड़े मारवाड़ी है जी, प्योर मारवाड़ी घोड़े हैं, सुंदर हैं, हाइट वगैरह लेंथ हर चीज मतलब अच्छी है, खूबसूरत है जी। भाई साहब, आप अलग अलग मेलों में जाते हैं जहाँ पर देखते हैं किस तरीके की, यहाँ पर सबसे ज्यादा देखते हैं तो घोड़े ज्यादा आ रहे हैं तिलवाड़ा में? हाँ जी, घोड़े ज्यादा आ रहे हैं, पहले तो ऊंट वगैरह भी बहुत आते थे, अब सिर्फ घोड़े ही आ रहे हैं ज्यादा। सर, खरीद फरोख्त के अलावा यहाँ पर घोड़ों को लेकर कौन कौन सी व्यवस्था या प्रतियोगिता भी आयोजित हो रही है? प्रतियोगिता तो है, ये सब घोड़ों की हो रही है, जैसे अपने रिंग में लगते हैं घोड़े, और वैसे ठीक है, खरीद फरोख्त भी हो रही है, अच्छे लोग भी आ रहे हैं। आप कब से यहाँ आ रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है? हम तो 10 साल से आ रहे हैं और अब 2 तारीख को आए थे, तो 8-10 तारीख तक यहाँ रुकेंगे, 7 तारीख की प्रतियोगिता है, उसके बाद में 1-2 दिन और रुक के फिर जाएंगे। खरीदते हैं, बेचते भी हैं? हाँ, दोनों काम है, बेचने भी लाए हैं और रिंग में लगाने के लिए भी लेके आए। कितने घोड़े आपके पास? मेरे पास वैसे 25 घोड़े हैं, उसमें 4 लेके आए हैं, घोड़ी या घोड़े। ये शौक के या फिर दूसरा कोई बिजनेस के पर्पस? दोनों काम है, शौक तो है ही, बिजनेस अपने आप बन गया शौक के पीछे ये वो। इसी तरीके से मल्लीनाथ पशु मेला एक कला और संस्कृति का बेजोड़ संगम है, तो ये संगम लगातार बना हुआ है और 650 सालों से ये मेला अनवरत भरा जा रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए बालोतरा से बंसी चौधरी। राज्य सरकार के अधीन आए निजी कॉलेज बाबा मोहन राम किसान कॉलेज भिवाड़ी के कर्मचारियों को वेतन नहीं देने से जुड़ा मामला है। मामले में हाईकोर्ट की तरफ से प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव का वेतन रोकने के आदेश के बाद आखिरकार याचिकाकर्ता 10 कर्मचारियों को उनका 20 महीने से रुका वेतन मिल गया। अदालती आदेश के पालन में प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव वीसी के जरिए हाईकोर्ट के जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ के समक्ष पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता कर्मचारियों को वेतन भुगतान कर दिया गया। इस पर अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जब तक राज्य सरकार के अफसरों को नहीं बुलाते तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती, यदि आपका वेतन नहीं रोकते तो याचिकाकर्ताओं को भी उनका बकाया वेतन नहीं मिलता, ये रवैया सरकारी अफसरों की कार्यशैली को बताता है। अदालत ने जब उनसे पूछा कि 1 साल से कर्मचारियों का वेतन मामला क्यों लंबी चल रखा है तो प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव ने कहा कि उन्होंने तो 1 महीने पहले ही कार्य ग्रहण किया है और आगे से इस संबंध में ध्यान रखा जाएगा। वहीं पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मांगरोल थाने में दर्ज मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल को तलब की है। साथ ही अदालत ने पुलिस को अनुसंधान जारी रखने के आदेश करते हुए कहा कि जांच अधिकारी प्रार्थी की तरफ से पेश दस्तावेजों को भी जांच में शामिल करे। ये आदेश जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने प्रमोद जैन भाया की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट राहुल तिवारी ने अदालत को बताया कि उसके खिलाफ नगरपालिका मांगरोल की तरफ से जारी टेंडर को लेकर गत 8 मार्च को रिपोर्ट दर्ज करवाई गई,
इसमें याचिकाकर्ता और अन्य पर आरोप लगाया गया कि विधानसभा चुनाव में लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर जारी किए गए और नोट शीट में कांट छाट की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।